तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आ गए मेरे को नई वीडियो में और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एनिमल रिवॉल्ट बैटल सिमुलेटर। इसमें क्या आपको पता होगा कि हमने इस गेम को पूरा कंप्लीट किया है और अभी हम अपनी टीम बनाते हैं और एक अपने अपोनेंट की टीम होती है और उसमें हम करवाते हैं फाइट और देखते हैं कि उनमें से कौन विन होता है। तो लास्ट टाइम वीडियो में भी हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया फाइट करवाई थी, क्रोकोडाइल्स मेन थे लास्ट वाली वीडियो में और आज देखने वाले हम फाइट करवा के कौन किसकी फाइट में विन होने वाला है। चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी फर्स्ट फाइट किसकी होने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्मॉल डायनासोर हैं जो कि पूरे 30 डायनासोर हैं और इनके अपोनेंट में हमने काफ़ी ज़्यादा बड़े टीरेक्स लगाए हैं जो कि पूरे 5 हैं और इनकी फाइट करवाएंगे और देखेंगे कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी में से कौन सा विन होता है, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इनकी 30 और ये सिर्फ 5 है, बट ये बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा जाइंट है। तो इनका करवाएंगे बैटल और देखेंगे कि इनमें से कौन विन होने वाला है। तो चलो करवाते हैं फाइट को स्टार्ट। यहाँ पे गाइज अपने स्मॉल वाले डायनासोर विन हो चुके और बिग वाले लूज हो चुके हैं, क्योंकि गाइज बिग वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे बट क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा कम थे और स्मॉल वाले काफ़ी ज़्यादा थे। और यहाँ पे जो अपना सेकंड बैटल होने वाला है वो आप देख सकते हो, एक तरफ काफ़ी सारे मेंटीस है, पूरा 72 मेंटीस है और इनके सामने गाइज आप यहाँ की तरफ देख सकते हो काफ़ी सारी बीज है, मतलब मधुमक्खी है जो कि इसके अंदर छुपी हुई है। और जैसे ही मैं फाइट को स्टार्ट करवाऊँगा ये एकदम से निकल के अटैक कर देगी इन जाइंट मेंटिस के ऊपर। तो पता नहीं मेंटिस जीतेगी या फिर ये मधुमक्खी। मेंटिस भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं, मुझे तो लगता है मेंटिस जीतेंगे क्योंकि वैसे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा कीमत की ये मधुमक्खी, बट मधुमक्खी मुझे लगता है छोटी है इसलिए हार भी सकती है। तो चलो बिना किसी देर के करवाते फाइट को स्टार्ट। तो यहाँ पे गाइस ये फाइट तो नहीं ख़त्म होगी क्योंकि आप देख सकते हो मेंटिस विन हो चुके हैं, एक मधुमक्खी अंदर के अंदर बैठी है पत्थर की, तो इसमें समझ लेते हैं कि मेंटिस विन हो चुके हैं। अभी होने वाली है थर्ड फाइट जिसमें कि फ्लाइंग मेंटिस है, मतलब ये मेंटिस उड़ भी पाएंगे। ऐसे रियलिटी में मेंटिस उड़ते हैं बट गेम में नहीं उड़ते थे तो हमने उनको पंख लगा दिए उड़ते हैं। और यहाँ पे भाई आप देख सकते हो काफ़ी सारे एलिफेंट है बट इन एलिफेंट के ऊपर हमने वेपन भी लगाए हुए हैं, तो वेपन की मदद से एलिफेंट विन हो सकते हैं। तो चलो करवाएंगे इनकी फाइट और देखेंगे कि कौन विन होता है। चलो करवाते फाइट को स्टार्ट। यहाँ पे गाइड एलिफेंट विन हो चुके हैं, वो भी वेपन की वजह से। अगर वेपन नहीं होता तो एलिफेंट हार जाते और अभी जो बैटल होने वाला है काफ़ी ज़्यादा डेंजर होने वाला है, क्योंकि इनके सामने आप देख सकते हो काफ़ी सारे बिच्छू है और यहाँ की तरफ काफ़ी सारे सांप है, एक एंडाकोंडा भी है और बाकी स्मॉल सांप है और भाई आगे की तरफ बिच्छू है। चलो देखते हैं सांप वर्सेज बिच्छू में से कौन विन होता है।
यहाँ पे गाइस बिच्छू विन हो चुके हैं और सांप हार चुके हैं। सांप वैसे थोड़े कम भी थे इसलिए, और अभी जो बैटल होने वाला है वो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डेंजर ये वाला बैटल भी होने वाला है। एक तरफ काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डायनासोर है, एक तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी मुंडी वाला डायनासोर है हर्बीवोरस, और दो सामने की तरफ टीरेक्स है, और इनके सामने भाई एक ड्रैगन है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा, और इसके पास वेपन भी, और भाई ये मुंह से आग भी फेंकता है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर बात हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये अकेला और भाई इसके सामने इतने सारे अपोनेंट है, तो देखते हैं कि इनमें से कौन विन होगा। जल्दी से करवाते हैं बैटल को स्टार्ट। यहाँ पे गाइस अपना ड्रैगन विन हो चुका है, डायनासोर हार चुके हैं। वैसे डायनासोर काफ़ी ज़्यादा थे बट भाई ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और अभी होने वाला है तीन ड्रैगन वर्सेस वही अकेला ड्रैगन जो पिछली बार जीत चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे तीन बड़े बड़े ड्रैगन है, और भाई इनके ऊपर हमने वेपन और पंख लगा रखे जिसकी मदद से ये उड़ पाए, और इनके सामने अपोनेंट में भाई ये अकेला ड्रैगन। बट ये ड्रैगन को आप कमज़ोर मत समझो अकेला है तो, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आपने लास्ट टाइम देखा इसने कैसे डायनासोरों की चटनी बना दी, तो देखते हैं कि इस बार कौन जीतेगा। वैसे ये ड्रैगन के ऊपर मुझे भरोसा है कि ये जीत सकता है इन तीनों से अकेला। चलो करवाते हैं बैटल को स्टार्ट और देखते हैं क्या होने वाला है। इस वाले बैटल में भी भाई अपना ड्रैगन विन हो चुका है, और इतने सारे तीन ड्रैगन फाइव हेड वाले हार चुके हैं। फाइव हेड थे, इतने बड़े बड़े ड्रैगन थे, फिर भी हार गए अकेले से। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो तो काफ़ी सारे लॉयंस खड़े हैं। ये लॉयंस भाई काफ़ी डेंजर वाले लॉयन है जो कि उड़ भी सकते हैं, और इनके पास भी वेपन है, और इनका भी बैटल हम उसी वाले ड्रैगन से करवाने वाले हैं। तो चलो करवाते हैं बैटल को स्टार्ट। इनको भी गाइस इस ड्रैगन ने काफ़ी ज़्यादा इजीली हरा दिया। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस ड्रैगन को कोई हरा पाएगा, क्योंकि ये ड्रैगन काफ़ी इजीली सबसे जीत जाता है। और अभी इस ड्रैगन का होने वाला है इन किंग कॉन्ग से। आप देख सकते हो सामने की तरफ पूरे छह किंग कॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा बड़े, जिनको हमने पंख भी लगाए, इनको हमने वेपन भी दिए हैं, और इनके सामने वही ड्रैगन है। इस बार मुझे लगता है किंग कॉन्ग जीत सकते हैं, और किंग कॉन्ग को आप देखो पीछे की तरफ इनके हमने भाई मिसाइल लगा रखी है जो कि पीछे से बिल्कुल छोड़ेंगे ये। चलो करवाते हैं बैटल को स्टार्ट। फाइनली गाइज यहाँ पे अपनी हो चुकी है विक्ट्री, और वो ड्रैगन हार चुका है, क्योंकि भाई अपने यहाँ पे किंग कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और हमने उनकी मिसाइल भाई पीछे की तरफ लगाई थी जिसकी मदद से भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टक्कर दी, टक्कर के आधी ड्रैगन को हरा दिया। वो गाइज क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा थे और ड्रैगन अकेला था, ये भी एक रीज़न हो सकता है ड्रैगन के हारने का। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा बैटल लगा, और अगर आपको वीडियो में आया तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल पर नया तो फिर कर लो सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।